पालक की सोहना में हत्या का मामला सामने आया है, जहां पर लाखूवास के पास खेतों में ड्राइवर का शव मिला है। बेडशीट में लपेट कर फेंका गया था ऑटो ड्राइवर का शव। दो दिनों से घर से लापता था ये ऑटो ड्राइवर। फरीदाबाद का ये मामला, जहां पर ऑटो चालक की सोहना में हत्या का मामला आया है। लाखूवास के पास खेतों में ड्राइवर का शव मिला है। ऑटो चालक है जिसकी हत्या कर दी गई और खेतों में उसका शव फेंक दिया गया। एक बेडशीट के अंदर लपेटा हुआ था शव। दो दिनों से घर से लापता बताया जा रहा है ये ऑटो ड्राइवर। ऑटो ड्राइवर दो दिन से लापता था, ये बड़ी खबर आपको बता दें। फरीदाबाद के ऑटो चालक की सोहना में ये हत्या का मामला है, जहां लाखूवास के पास खेतों में एक ड्राइवर का शव मिला है। शव मिलने का ये मामला सामने आया है, पुलिस जांच में पता चल पाएगा। फिलहाल बताया गया है कि ऑटो चालक है, लेकिन इसकी हत्या किसने की है और खेतों में किसने फेंका है ऑटो चालक के शव को, इसका खुलासा तो जांच के बाद ही हो पाएगा। दो दिन से ये जो ऑटो ड्राइवर है वो घर से लापता था और अचानक से उसका शव जो है वो मिला है। जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी सतीश राघव मेरे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, और क्या जानकारी है इस मामले पर? सचिन, देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये फरीदाबाद के बड़कर की जो सैनिक कॉलोनी है, वहां का रहने वाला आमिर है और ऑटो चलाने का काम करता है। और ये रोजाना की तरह 19 तारीख को सुबह अपना ऑटो लेकर निकला था, लेकिन जब शाम को घर वापस नहीं पहुंचा तो परिजनों ने इसको काफी खोजा और पुलिस थाने में भी गए, वहां पे भी इसके बारे में जानकारी दी। लेकिन सोमवार सुबह इसका जो शव है वो खेतों में लाखूवास गाँव के पास पड़ा हुआ मिला है। और इसकी जानकारी उस समय मिली जिस समय खेतों में काम करने वाले लोग वहां पर गए, उन्होंने देखा और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंची है और शव को कब्जे में ले लिया और उसके बाद पहचान के लिए जब परिजन यहां पर पहुंचे हैं, उन्होंने शव की पहचान भी कर ली है। तो उनका यही कहना है कि एक रोजाना की तरह ऑटो लेके ही घर से निकला था और काफी तलाश की गई थी, लेकिन अभी तक ये कोई जानकारी नहीं मिली है कि इसकी हत्या किसने की है और किस इरादे से की गई है। चलिए, ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो अभी ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन जल्दी पुलिस जो है इसका पता लगा लेगी और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में भी जुट गई है।